हे फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। काश मैं iOS 16 का 3D आइकॉन थीम लेके आ चुका हूँ। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ थीम का इंटरफेस आपको कुछ इस तरह का मिल जाएगा, पूरा का पूरा 3D आइकॉन के साथ। और दोस्तों बिना किसी टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले तो मैं इसके फीचर्स के बारे में हूँ बता देता हूँ। यहाँ पे आपको डायलर में, सेटिंग में, और यहाँ पे आपको फाइल मैनेजर में एंड अदर चेंजेस और मैसेजेस हो गया एंड मेजरली जो चेंजेस है सारे के सारे आइकॉन्स पे यहाँ पे आप देख सकते हो। सो आज मैं बताने वाला हूँ इसके फीचर्स एंड अभी जो हूँ वो मैं बताऊँगा कैसे आप इसे डाउनलोड करके 5 मिनट ट्रायल को भी रिमूव कर सकते हो। सो सिंपली आपको इसमें डायलर चेंज होता हुआ दिखाई देगा, यहाँ पे कीपैड पूरा का पूरा एंड कॉन्टैक्ट आइकन भी, ठीक है। उसके बाद आपको फाइल मैनेजर में वीडियोस का आइकॉन, म्यूजिक का आइकॉन और डॉक्यूमेंट, फोटोस, एप्लीकेशन सभी का जो है आइकॉन सबको चेंज देखने को मिल जाएंगे। सो अभी जो है सेटिंग में चले जाता है, यहाँ पे तो है बहुत ही ज़्यादा जहर वाला यहाँ पे चेंजेस देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हो विथ प्रूफ में लाइव यहाँ पे ये वाला है दिखा रहा हूँ। एंड सबसे बड़ी चेंजेस जो है डिस्प्ले ब्राइटनेस में, ये वाला जो है लोगो आपको देखने को मिलता है जो, ठीक है, ये देख सकते हो बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क कर रहा है। और यहाँ पे इसका ऑन ऑफ का टॉगल भी यहाँ पे पूरा का पूरा चेंज्ड है, देख पा ही रहोगे। एंड दोस्तों अब बात करते हैं आप इस थीम को कैसे परमानेंटली अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो और इसे डाउनलोड कैसे कर सकते हो। दोस्तों मैं यहाँ पे अपने नॉर्मल वाले होम स्क्रीन पे आ चुका हूँ एंड अब जाते हैं डाउनलोड वाले सेक्शन से पहले थीम को आप रिमूव कैसे कर पाओगे। तो फिर दोस्तों उसके लिए एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। सिंपली आपको कोई भी ब्राउज़र सिलेक्ट करना है, मैं क्रोम प्रिफर करता हूँ एंड मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आई मोड प्रो का लिंक। इसके अलावा आप किसी भी मेथड से थीम ट्रायल आउट नहीं हटा सकते हो। ये बहुत ही कम MB का ऐप है। यहाँ पे मैं डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। पैकेज इंस्टॉल पे क्लिक करने लगा एंड सिंपली आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर रखा है सो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। एंड सिंपली आपको APK से यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे चले जाना है। यहाँ पे मैं आई मोड प्रो को इंस्टॉल कर लेता हूँ। देन ये आप देख सकते हो आई मोड प्रो यहाँ पे ओपन हो चुका है। एंड उसके बाद एक और आपको फिर से क्रोम पे जाके एक और लिंक पेस्ट करना है या फिर आप डायरेक्टली क्लिक कर पाओगे। ये जो है मेन थीम का जो है लिंक है यहाँ पे, थीम और आई मोड प्रो का लिंक इस बार डिफरेंट दे दिया हूँ। एंड यहाँ पे लिंक ओपन हो चुका है। इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है। पावर बाय पी क्लाउड का लिंक यहाँ पे मैं दिया हुआ हूँ। एंड यहाँ पर आपको साइड में डाउनलोड वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, उसे क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन आएगा आपको कहाँ पे सेव करना है। सिंपली आपको सेव टू डिवाइस पे क्लिक कर लेना है। एंड आपको साइन इन करने में कुछ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मेरा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है, ये देख लो। एंड आप सिंपली इसे कट कर लो एंड होम पे आप आ जाओ। ये जो है थीम डाउनलोड हो चुकी है एंड नाउ मैं अपने फाइल मैनेजर पे डाउनलोड वाले सेक्शन पे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो है डाउनलोड हो चुका है। ओपन करने के बाद इंटरफेस कुछ इस तरह का आएगा एंड लेकिन आपको डिफरेंट फोन में डिफरेंट प्रीव्यूज आपको मिल जाएंगे। ये जो है कलर 5, 6 और 7, 11 तक ये वाला थीम जो है वर्क कर लेगा आराम से। मैं
फोन में कलरओएस 12 और एंड्रॉयड 12 का अपडेट अभी तक आया नहीं है, इसलिए मुझे जो है ज़्यादा कुछ यहाँ पे पता नहीं है उसके रिलेटेड। तो फिर अगर जब मेरे फ़ोन में एंड्रॉयड 12 का अपडेट आ जाएगा सो मैं एंड्रॉयड 12 के लिए भी थीम्स रेडी करने लगूँगा। सो यहाँ पे हम आ चुके हैं एंड यहाँ पे आप कंट्रोल पैनल देख सकते हो, फुल्ली ट्रांसपेरेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा कंट्रोल पैनल, और उसके साथ साथ डायलर में भी पूरा चेंजेस देखने को मिल जाएगा, ये देख सकते हो। और इसके बाद आपको फाइल मैनेजर पे चेंज ऑब्वियसली देखने को मिलेगा, सारे आइकॉन्स वगैरह यहाँ पे चेंज टू हो चुके हैं। एंड देन आप जाते हो सेटिंग्स में एंड यहाँ पे डिस्प्ले और ब्राइटनेस का मैं जो दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, वो तो मैंने पहले ही दिखा दिया था, कंफर्मेशन के लिए फिर से दिखा दिया। और यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में भी iOS 15 यहाँ पे 15 करके लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पे प्रूफ के साथ देख सकते हो। एंड दोस्तों अब जो है लास्ट पॉइंट आता है, इस थीम को परमानेंटली यूज़ कैसे करें आखिर हम। सो उसके लिए आपको अपने थीम स्टोर पे यहाँ पे जो है 3D आइकॉन में चेंज हो चुका है, यहाँ पे थीम स्टोर पे लॉन्ग प्रेस करना है, देन ऐप इन्फो पे जाना है। जाने के बाद आपको स्टोरेज यूजर्स पे जाके क्लियर डेटा करना है, इससे आपको कोई भी लॉस्ट आपके फोन के फाइल्स तो नहीं होगा या फिर आपके सॉफ्टवेयर। देन आपको फाइल मैनेजर पे जाके फोन स्टोरेज में जाना है, इसके बाद कलर वॉइस वाले फोल्डर को यहाँ से डिलीट कर लेना है परमानेंट। डिलीट करने के बाद अब आपका आई मोड प्रो के मदद से यहाँ पे आप इसे ओपन कर लीजिए, इसे इंटरनेट भी चाहिए नहीं होता है, मैं इंटरनेट भी बंद कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे आपको एक माइनस वाला ऑप्शन आ रहा होगा यहाँ पे ऊपर की तरफ, यहाँ पे आपको 2-3 बार जो है टैप कर लेना है, और यहाँ पे परमानेंट एक्टिवेटेड लिख दिया है यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको बैकग्राउंड से सारे एप्लीकेशंस को रिमूव करके अपने फ़ोन को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है, कुछ इस तरह से रीस्टार्ट आपको जो है यहाँ पे कर लेना है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, बाय।